यही से रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। इनमें से एक है पवन जी, जिनका सवाल चने को लेकर है। ये जानना चाह रहे हैं चने का क्या अपडेट है, क्या चने में आगे कुछ तेजी बन सकती है। रूपा जी, हमने देखा है कि सस्ती दालों का आयात किया गया है, सस्ती दरों पर दालें बेची भी जा रही है नाफेड द्वारा, और दूसरा सरकार अभी भी दूसरे देशों से आयात दालों के आयात की बातचीत भी कर रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है, क्या जो कीमतें हैं वो और ज्यादा गिरावट की ओर जाएंगी? देखिए, दालों में तो दबाव है अखिलेश, और ये दबाव अभी कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। अभी बाजारों के अंदर प्रेशर है और ये प्रेशर बना रह सकता है, और आगे देखिए इलेक्शंस है, आप इस चीज को ध्यान में रखिए। तो मुझे लगता है कि दालें, तेल, इन सब में बाजार जो है वो थोड़ा सा सुस्ती वाला रह सकता है। इनमें फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं देगी, बाजारों के अंदर प्रेशर बना रहेगा जी। तो यानी कि दालों की कीमतों पर प्रेशर अभी जारी रह सकता है। जिस हिसाब से अभी दालों की जो मौजूदा स्थिति बनती नज़र आ रही है वो कुछ इस प्रकार है कि दालों की कीमतों को अभी उठने में काफ़ी टाइम लग सकता है, अगर उठी भी तो। अदरवाइज़ दालों का जो बाज़ार है वो ऐसे ही नरमी के साथ अभी ट्रेड करता रहेगा। जितनी भी दालें हैं अभी हाजिर में वो सारी की सारी MSP से नीचे ही बिकती नज़र आ रही हैं।